हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं बेसिक सीमेंट केमिस्ट्री के बारे में। कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, एप्पल का जूस बनाना है दोस्त तो क्या क्या होता है। तो उसमें हम करीब 60% तक एप्पल यूज करते हैं, 30% शुगर यूज करते हैं और 10% वाटर यूज करते हैं। इन तीनों का प्रॉपर प्रोसेस होता है, टोटल ग्राइंडिंग की जाती है जूसर के द्वारा और जूस बनाया जाता है। फिर जूस को हम पैकेजिंग करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एप्पल का जूस बना। तो हमको इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ, टेस्ट, कलर, प्रोटीन और फैट। सेम तरीका यही हम सीमेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सीमेंट बनाने में पहला है लाइमस्टोन, यहाँ पर 150% हम लाइमस्टोन यूज किए। दूसरा 4% हम आयरन लिए। तीसरा 4% हम जिप्सम लिए। तीनों का हम प्रोसेस किए, पहले लाइमस्टोन और आयरन ओन का प्रॉपर ग्राइंडिंग करके सिम किल्ले में 1500 डिग्री सेल्सियस पे उसका हीटअप करते हैं, जिससे हमको क्लिंकर बनता है। फिर क्लिंकर और जिप्सम की प्रॉपर ग्राइंडिंग करके हमको ओपीसी सीमेंट प्राप्त होता है। तो इस सीमेंट में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, फाइनेस, स्ट्रेंथ, कलर और कंसिस्टेंसी। अब हम बात करते हैं कि सीमेंट बनाने में सबसे अहम जो मटेरियल होता है वो है लाइमस्टोन। पूरे इंडिया में, नॉर्थ साइड में, साउथ में, गुजरात साइड में, असम साइड में, करीब करीब इंडिया के कोने कोने में लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। लाइमस्टोन कुछ लो ग्रेड है, कुछ हाई ग्रेड है। हाई ग्रेड लाइमस्टोन की कमी धीरे धीरे होती जा रही है। लो ग्रेड है और हाई ग्रेड है। जो हाई ग्रेड है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू ज्यादा होती है, जो लो ग्रेड है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कम होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त ये है कि लाइमस्टोन में कौन कौन सा मटेरियल होता है। तो लाइमस्टोन में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, फास्फोरस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। इतने मटेरियल से लाइमस्टोन बना होता है। लेकिन अगर हम अधिकता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है उसमें, सिलिकॉन ऑक्साइड। और उसके बाद में जितने भी है वो 1% से बिलो ही होता है, 0.1, 0.2, इसी रेशियो में प्राप्त होता है। लाइमस्टोन में कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू करीब 40-60% होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 6-25%, आयरन ऑक्साइड 0-2%, मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरली 0-5% तक होता है, पोटेशियम ऑक्साइड 0-1% होता है, क्लोराइड 0-1%, SO3 0-3%। तो ये करीब करीब एक कंपोजिशन होता है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन के साथ में हमको ऐड करना पड़ता है आयरन ओर। तो आयरन ओर में दो टाइप का आयरन ओर होता है, एक एल्युमिनियम हाई रिच, दूसरा है आयरन हाई रिच। अगर जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा है उसमें करीब 40% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और उसी में आयरन ऑक्साइड की वैल्यू करीब 20% तक रहता है। अगर वो हाई रिच आयरन साइड का है तो आयरन ऑक्साइड उसमें करीब 40% या 42% रहेगा, और वही एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू करीब 20% तक रहता है। तो ये दो वैरायटी में आयरन ओर आता है। इसी रेशियो के हिसाब से हमको लाइमस्टोन और आयरन ओर का रामिक्स डिजाइन करना पड़ता है। फिर लाइमस्टोन और आयरन ओर का प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक किल्न में इसको बर्न करते हैं। वहां पर हमको क्लिंकर प्राप्त होता है। क्लिंकर में दोस्त 4 phases इंपॉर्टेंट होता है। ये जितने भी हैं, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपस में टोटल रिएक्शन होता है, इन लोगों का आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये 4 phases इंपॉर्टेंट होता है जो क्लिंकर में प्राप्त होती है। पहला है C3S, जिसका परसेंटेज 30-55% होता है। दूसरा है C2S, वो 15-30% तक होता है। तीसरा है C3A, वो 4-12% होता है। चौथा है C4AF, 4-17% होता है। कुछ मात्रा में फ्री लाइम होता है, जो कि वो 2% से कम ही होना चाहिए, और MgO, वो भी 2% से कम ही होना चाहिए। ये क्लिंकर में प्राप्त होता है। फिर क्लिंकर में हम जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट 3-3.5% तक मिलाते हैं क्लिंकर के साथ में, और इसका फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, जिसके द्वारा हमको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्राप्त होता है।
तो दोस्त केमिकल कंपोजिशन जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास में लाइमस्टोन है, अब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर आपको लाइमस्टोन के बारे में पता है तो आपको आसानी होगी बिजनेस स्टार्ट करने में। आपके पास बहुत सारी जमीन है आयरन ओर का, तो आयरन ओर सीमेंट प्लांट को आप देख सकते हो, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जिप्सम है, केमिकल जिप्सम, मिनरल जिप्सम में क्या क्या चीज होता है ये भी जानना जरूरी है। तो ये मटेरियल यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लिंकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्दर वैरायटी ऑफ सीमेंट बनाने के लिए। तो जो क्लिंकर में C3S है, C2S है, C3A है, C4AF है, एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है सीमेंट में? तो दोस्त जो C3S है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, मींस थ्राई CaO SiO2, C3S वैल्यू बताता है जितना ज्यादा C3S वैल्यू होगा उतना ज्यादा सीमेंट का अर्ली स्ट्रेंथ होगा। मान लीजिए कि हमको वन डे में अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा लाना है, तो उसकी C3S वैल्यू बढ़ा दीजिए 60 तक कर दीजिए, तो उसका अर्ली स्ट्रेंथ मिल जाएगा। दूसरा है C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट, मींस 2 CaO SiO2। ये दोस्त बताता है लेटर स्ट्रेंथ। अगर आज आप घर बना दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि डे बाय डे घर का स्ट्रेंथ घटने लगेगा, नहीं। आप C2S की वैल्यू जिसमें ज्यादा है उस सीमेंट से आप घर बनाए हैं, तो आज नहीं तो कल जो 6 महीने में आपके घर का स्ट्रेंथ होगा, वही 1 साल के बाद में अगर उसका चेक किया जाएगा, वो स्ट्रेंथ करीब 20-30% तक बढ़ के रहेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्त, 40-50 साल पहले भी जितने भी बिल्डिंग बने हैं, मोन्यूमेंट बने हैं, ताजमहल हो या बड़े से बड़ा मंदिर हो, टेम्पल हो, वो आज भी इंटैक्ट है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें सबसे ज्यादा C2S की वैल्यू होती थी। C2S हाई होने में दोस्त केवल एक ही ड्रॉबैक रहता है कि आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते हैं। अगर आप 1 या 2 मंजिले तक हाइट का आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा हाई C2S वाला ही आप घर बनाइए, थोड़ा टाइम लेके बनाइए, वो लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा आपके घर के लिए। तीसरा है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। दोस्त ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ही एक ऐसा फेज है, जब आप सीमेंट में वाटर डालते हो वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करता है, और तुरंत वाटर से रिएक्शन करके हाई हीट जनरेट करता है। अगर किसी सीमेंट में C3A की वैल्यू ज्यादा है, क्रैकिंग फॉर्मेशन इमीडिएट हो जाएगा, उसमें हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, इसलिए सीमेंट में C3A की वैल्यू को कम रखा जाता है। इसी हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकने के लिए रिटार्डर के रूप में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम C3A का वाटर के साथ में इमीडिएट रिएक्शन होने से रोकता है। और चौथा है C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, 4CaO2O3 या Fe2O3। ये दोस्त एज ए कलरिंग एजेंट होता है, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ में बहुत ही माइन्यूट रहता है। तो दोस्त जो C है वो CaO है, जो S है वो SiO2 है, जो F है वो Fe2O3 है, जो A है वो Al2O3 है, इसका एब्रिविएशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्त सीमेंट में यही 4 फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा है फ्री लाइम। फ्री लाइम आपके सीमेंट में 2% से बिलो ही होना चाहिए। अगर 2% से बिलो है तो सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है। मान लीजिए फ्री लाइम की वैल्यू 2% से ज्यादा है, 3%, 4% तक है, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी मशीनरी वर्क करेंगे तो क्रैकिंग फॉर्मेशन आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा। इसलिए मैन्युफैक्चरर से टेस्ट सर्टिफिकेट लेना जरूरी है कि आपके सीमेंट में फ्री लाइम की वैल्यू कितना है, 2% से बिलो होना चाहिए। MgO की वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 6% से बिलो ही होना चाहिए। अब दोस्त बात आती है कि हमको डिफरेंट टाइप का सीमेंट बनाना है। मेन हमारा हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब हमको एज पर द एरिया, हमको घर बनाना है कोल्ड एरिया में, हमको घर बनाना है हीट एरिया में, को पुल बनाना है पानी में, पानी के कॉन्टेक्ट में हमारा बिल्डिंग रहेगा, तो वहां पर हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप के सीमेंट बनाए जाते हैं। आज आपको पता होगा मार्केट जहां भी जाएंगे आपको PPC पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट ही मिलता होगा। तो कैसे बनता है, यही सेम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम 30% फ्लाई ऐश मिला जब देते हैं तो
पीपीसी बन जाता है। जो दोस्त फ्लाई ऐश है वो एज ए बाय प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वेस्ट के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। उसी फ्लाई ऐश को यूज करके हम पीपीसी बनाते हैं। तो फ्लाई ऐश में क्या क्या कंपोजिशन होता है? उसमें होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो 15-20% तक रहता है। आयरन ऑक्साइड वो 7-10% रहता है। सिलिकॉन ऑक्साइड वो 50-60% रहता है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर रहता है। तो हम देखें कि ये फ्लाई ऐश का अगर यूटिलाइजेशन सीमेंट बनाने के लिए किया जाए तो अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्त, फ्लाई ऐश पोजलानिक बिहेवियर का है। तो जब ओपीसी के साथ में इसका रिएक्शन कराया गया तो इससे ये पता चला कि ये लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ड्यूरेबल है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। तो इससे हमको प्राप्त हुआ पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसी ओपीसी में जो स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है स्लैग, उसको मिक्स करके करीब 60% हम स्लैग लिए और 35% क्लिंकर और उसी रेशियो में जिप्सम 3-5% तक जिप्सम लिए। इन तीनों का प्रॉपर ग्राइंडिंग किए तो हमको बन गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीमेंट है कोस्टल एरिया में। जितने भी समुद्र से टच में, पानी के टच में हाई राइज बिल्डिंगे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन है, उस सारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट से ही करीब करीब बनता है। तीसरा सबसे अहम है सिलिका फ्यूम। आप देखते होंगे दोस्त हाई राइज बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा दुबई में आप देखते होंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन घर बने हैं, हाई राइज 100-100 मंजिला का घर बना हुआ है। तो उसमें 10% सिलिका फ्यूम का यूज होता है। जो कंक्रीट होते हैं उसमें वाइट्स होते हैं, अगर वाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ही, अगर वाटर मिक्स किया जाता है कंक्रीट में आफ्टर सर्टन इंटरवल वाटर इवेपोरेट होगा तो उसमें वाइट्स क्रिएट होंगे, पोरोसिटी होगा, तो वो पोरोसिटी को भरने के लिए सिलिका फ्यूम का यूज होता है। सिलिका फ्यूम भी बाय प्रोडक्ट है सिलिकॉन इंडस्ट्री का, थोड़ा कॉस्टली होता है। इसका ब्लेन जो है दोस्त वो अगर हम कंपेरिजन करते हैं फ्लाई ऐश से 5 times ज़्यादा होता है। अगर फ्लाई ऐश का 400 ब्लेन है तो वही सिलिका फ्यूम का 2000 ब्लेन का होता है। तो ये जो वर्ड्स है पोरोसिटी है उसको फिलअप करने के लिए और प्रॉपर स्मूथनेस आ जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये अलग टाइप का सीमेंट बन गया। मेटाक्योलिन है, मेटाक्योलिन का भी यूज करके डिफरेंट टाइप का सीमेंट बनता है 10% मेटाक्योलिन, क्योंकि इसका भी जो फाइनेस है ज्यादा होता है। इसमें भी एल्युमिनियम ऑक्साइड 43% तक होता है और सिलिकॉन ऑक्साइड भी 53% तक होता है। तो इसी रेशियो में हम सीमेंट को अलग अलग वैरायटी में बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सीमेंट की अलग अलग वैरायटियां होती हैं तो वो जो चेंज होता है वो लाइमस्टोन और आयरन ओर इन दोनों को कम्बिनेशन से ही, रामिक्स से ही हम क्लिंकर का जो फॉर्मेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमको C3S की वैल्यू जाना चाहिए, C2S की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, C3A की वैल्यू कम ज़्यादा चाहिए, उसी हिसाब से हम रामिक्स का डिज़ाइन करते हैं। आने वाले समय में दोस्त आपको हम रामिक्स डिज़ाइन के बारे में ही बताएंगे वेरी इजी वे में, कि आपको ईच एंड एवरी थिंग्स वेरी सिंपल तरीके से आप समझ सकें। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा सीमेंट किस टाइप के होते हैं? पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड का होता है। 43 बताता है कि 28 डेज में उसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर मान लीजिए 33 है तो उसका 28 डेज में स्ट्रेंथ 33 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। 53 है, 28 डेज में 53 मेगापास्कल उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना ही होना चाहिए। दूसरा है मॉडिफाइड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा C3S की वैल्यू होती है, जिसका वन डे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रहता है। जहां पर वन डे स्ट्रेंथ हमको ज्यादा चाहिए वहां RHPC सीमेंट का यूज कर सकते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मास कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। C2S की वैल्यू ज्यादा होती है और वहीं C3A की वैल्यू बहुत ही मिनिमम होती है, वो करीब 4 के बराबर होता है। सल्फेज रेजिस्टिंग सीमेंट, अगर हमको पानी में काम करना है कोई भी कंस्ट्रक्शन तो वहाँ के लिए सबसे अहम होता है ब्लेंडेड या कंपोजिट सीमेंट, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, वाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी, एक्सपेंसिव सीमेंट। अगर मान लीजिए कहीं क्रैक है, वाटर लीकेजेस है, तो वहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वन डे में ही सुपर स्ट्रेंथ हमको मिले, वहाँ पर एक्सपेंसिव सीमेंट का यूज किया जाता है जहाँ पर C3 वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है।
करीब 65-70 तक रखा जाता है। ऑयल वेल सीमेंट, जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, हमको ऑयल समुद्र के बीच से निकालना है, तो वहाँ पर जो भी बोरिंग होता है, जो कंक्रीटिंग होगा इनसाइड सी में, वहाँ पर ऑयल वेल सीमेंट का यूज होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है रेफ्रेक्ट्री पर्पज के लिए। हाई टेम्परेचर में भी वो अपनी प्रॉपर्टी को डिटेरियोरेट नहीं होने देती है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए आप कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो RMC प्लांट है, रेडीमिक्स प्लांट है, वो बहुत दूर है, तो वहाँ पर हमको हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज करना पड़ता है। एडमिक्चर भी यूज करके प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। कलर्ड सीमेंट का भी यूज होने लगा है आज के डेट में, कि हमको ग्रे सीमेंट चाहिए, हमको रेड सीमेंट चाहिए, हमको वाइट सीमेंट चाहिए, तो उसी रेशियो में पिगमेंट मिला के उसका कलर चेंज किया जाता है सीमेंट का। तो ये जनरली इतनी टाइप के सीमेंट का यूज होता है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। आने वाले समय में दोस्त, हम एक एक सीमेंट के बारे में, कैसे उसको बनाते हैं, क्या क्या उसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, क्या क्या उसका टेस्टिंग होता है, क्या क्या टेस्टिंग वैल्यू होता है, इस सारा डिटेल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ में बताऊंगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर दोस्त हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।